अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, साइंस का सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान की वीडियो अगर आप देख रहे थे तो इस वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो सीरीज की आपकी पार्ट टू है। अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उसको देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके लिए दोस्तों एक चीज और स्पेशल है, अगर आपने हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड अभी तक ना किया हो तो दोस्तों उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, जो स्पेशली आप लोग के लिए डिजाइन किया गया है। तो उसमें भी आपके बाकी अपडेट्स, जो रिजल्ट रिजल्ट की टेंशन होती है, सबसे पहले रिजल्ट वाइज आप लोग देख सकेंगे। और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी नोटिफिकेशन वहां आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा, जैव विकास किसे कहते हैं? तो दोस्तों कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? तो दोस्तों इसका अंतर क्या होगा कि जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिकों लैमार्क तथा डार्विन का नाम बहुचर्चित है। वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रकृतिवाद। ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद क्या है? तो दोस्तों जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव की चयन करती हैं, इसे ही प्रकृति या प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ये आपकी समानताएं दो प्रकार की होती है। पहली समानता आपकी होती है समरूप या समवृत्ति रचनाएं, दूसरी होती है दोस्तों आपकी समजात रचनाएं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जीवात्म विज्ञान क्या है? अनेक ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं है, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं, ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन ही जीवात्म विज्ञान कहलाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है, इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर है। फिर बात करेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन क्या दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार आपको बताना है। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार हैं, पहला है कि अजैविक घटक, कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जलवायु। ठीक है, जलवायु। और फिर दोस्तों दूसरी बात आती है जैविक घटक, जैसे उत्पाद, हरे पौधे, उपभोक्ता तथा अपघटक एवं अपर भोजी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला से आपका क्या अभिप्राय है ये बताना है। तो जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, आहार या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए हम लोग आपका तेजी से कोर्स को खत्म करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग खाली वीडियो को देखते जाइए और याद करते हुए चलिए। ठीक है, बार बार दोस्तों वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को रिपीट करके 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन रट्टा मार हो जाएगा। ठीक है, रट जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। सरल खाद्य श्रृंखला के दोस्तों 3 स्तर होते हैं, पहला उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता। फिर खाद्य जल से क्या आशय होता है ये बताना है। कोई भी जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता हो, ऐसे पारितंत्र को हम खाद्य जाल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्राथमिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुंचते पहुंचते उपभोक्ताओं की संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है, ये पिरामिड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिक के नाम बताना है। तो आसान से दोस्तों आप बता सकते हैं, जीन बेस्टिक, डी लैमार्क, चार्ल्स डार्विन और दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज। 3 वैज्ञानिक है दोस्तों, सभी बहुत ही फेमस है दोस्तों। आपने लैमार्क का नाम जरूर सुना होगा, डार्विन का भी नाम दोस्तों सुना होगा और दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है, इनका नाम शायद कम सुना हो। फिर अगला क्वेश्चन, जैव विकास के प्रमाण क्या है? तो इसके चलिए दोस्तों प्रमाण दे देते हैं। जीवों, जंतु व पौधों की तुलनात्मक शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, आनुवंशिकी। फिर दोस्तों बात होगी कि आखिर जैव विकास होता क्या है।
जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के युग के जटिल व उच्च कोटि के पौधे व जंतु पूर्व काल के सरल व निम्न श्रेणी के पौधों तथा जंतुओं से उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नव डार्विनवाद क्या है? नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। इसमें पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी ब्रिज का नाम प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इन वैज्ञानिक का नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है ना? अब इनका नाम आया था दोस्तों तो किसके कारण? उपपरिवर्तनवाद। उसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं कि लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है। तो लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण जिराफ के ऊपर प्रस्तुत किया गया है। फिर दोस्तों उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधों में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधा से काफी भिन्न है, इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि से इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी ब्रिज ने सन 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये तो सिंपल था, डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन तथा नव डार्विनवाद को जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया। याद रखना है दोस्तों, ठीक है, डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने और नव डार्विनवाद को दोस्तों किसने किया था? जूलियन हक्सले ने। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। तो डार्विनवाद से जुड़ी कुछ विरोधात्मक आपत्तियां निम्न प्रकार है। डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। डार्विनवाद में विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। समस्या इस बात की थी जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि अब बात आती है दोस्तों आपका खनिज क्या होता है। खनिज क्या है? तो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं ये बताना है। खनिज आपके पृथ्वी के तल पर भूपट्टी पे तथा समुद्र में पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है अयस्क किसे कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में होता है उन्हें हम अयस्क ओरी कहते हैं। ठीक है, निम्न धातु के अयस्कों का नाम उल्लेख करना है दोस्तों। तो धातु का नाम दोस्तों क्या, पहला लोहा, जिसका अयस्क का नाम दोस्तों हेमेटाइट हो जाएगा। तांबा का दोस्तों कॉपर पायराइट। सोना का दोस्तों मुक्त अवस्था में। एल्यूमिनियम का दोस्तों क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। कैल्शियम का हो जाएगा दोस्तों आपका चूना पत्थर। ठीक है, सबको आप याद कर लीजिए, कभी कभी दोस्तों मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्ति के स्थान का नाम उल्लेख करना है आपको। तो सबसे पहले दोस्तों अभ्रक कहाँ पर, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है बहुमूल्य पत्थर। राजस्थान में दोस्तों पेट्रोलियम कहाँ पर, गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा कावेरी तथा गोदावरी नदियों के मुहाने पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कोयला। ठीक है, कोयला कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा तमिलनाडु। अब दोस्तों बात होती है कि अयस्क से धातु निष्कर्षण की विधियां लिखना है। कौन कौन सी विधियां है दोस्तों, पहला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है दोस्तों फेन प्लवन विधि। तो तीन विधियां है दोस्तों याद रखना आपको, गुरुत्वीय, चुंबकीय और फेन प्लवन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है अयस्क से प्राप्त अशुद्ध धातुओं का संशोधन कैसे किया जाता है। तो देखिए प्रगलन से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं। अशुद्ध युक्त कुछ धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं ये बताना है। एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है पिग आयरन किसे कहते हैं। तो वात्य भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन या कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता। तो याद रखना दोस्तों पिग आयरन क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगी कि वात्य भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन होता है। अब दोस्तों इस बात से क्या अभिप्राय ये बताना। देखिए यह लोहा का एक दूसरा रूप है, इसमें Fe मतलब फेरिक 298.8% से 99.8%, कार्बन 0.25% से 1.5% तथा शेष सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर तथा ठीक है Mn की अशुद्धियां पाई जाती है दोस्तों। इसका उपयोग नट बोल्ट बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग का एमन था इसको मैंगनीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है,
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रत्न तन्यता क्या होता है। तो धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है, धातुओं के को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, धातुओं को खींचकर दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, तार बनाते हैं, और इस गुण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अब हम लोग चालकता क्या होता है। ठीक है, चालकता क्या है, सभी धातु विद्युत की सुचालक है क्योंकि इनमें विद्युत प्रभाव संभव है, यही चालकता है। धातुओं के संरक्षण से क्या अभिप्राय होता है दोस्तों, ये बताना है। तो धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरना या नष्ट होना धातु का संरक्षण कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये बताना। देखिए, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं, देखिए खनिज की पहले परिभाषा, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुओं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। अब धातु किसे कहते हैं, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, यह समानता कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अब धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन हमें दोस्तों करना है, कैसे करेंगे तो चलिए इसके भौतिक गुण देखते हैं। पहला, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातु के गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं समानता कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुण धर्म को आघात वर्धनीता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाना है हमें। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात क्या आती है कि अयस्क क्या होते हैं और इसका वर्गीकरण हमें बताना है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला ऑक्साइड अयस्क, दूसरा हैलाइट। ऑक्साइड में दोस्तों सल्फेट, सिलिकेट और कार्बोनेट आता है, हैलाइड में एजी के और ठीक है दोस्तों मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम, के तथा पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा है कि धातु के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए, अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण करना ही धातु को निष्कर्षण कहा जाता है। फिर दोस्तों बात आती है चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। तो यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक प्रकृति की ठीक है लौह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि यह प्रगलन क्या है। देखिए, प्रगलन धातु निष्कर्षण की एक विधि होती है। जल धातु निष्कर्षण विधि को हमें समझाना है। देखिए, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को उनके विलयन में विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्यतः ठीक है अपचायकों के द्वारा नहीं होता। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जाता क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्साइड विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं, इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है तथा जल से क्रिया करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो दोस्तों इनको तीन वर्गों में बांटा गया है, पहला धात्विक खनिज, दूसरा धात्विक और तीसरा खनिज ईंधन। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फिर दोस्तों बात करेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या है। देखिए, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों चलिए इसके लक्षण आप ध्यान से देखिए। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में होती है। ठीक है, एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण समान होती है। सारणी में रिक्त स्थानों वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। ठीक है, किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है ये बताना है। तो वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं क्या है, तो दोस्तों चलिए इनकी विशेषताएं देखा जाए। एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्गों के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। एक ही उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। अब दोस्तों बात करेंगे संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो दोस्तों संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो दोस्तों इसमें टोटल 2 तत्व होते हैं। दीर्घ आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो दोस्तों इसके चौथे एवं पांचवें आवर्त में 18 18 तत्व होते हैं।
मेंडलीव क्या हुआ सारणी की कोई दो लाभ बताइए दोस्तों। लाभ क्या है? सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। उसके बाद दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी के हमें तीन दोष बताने, असमान तत्वों को एक साथ रखना, समान तत्वों को अलग अलग रखना, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। ठीक है दोस्तों, फिर धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट करना है। धातु क्या होता है? कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व धातु होते हैं और अधातु अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधातु होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया दोस्तों? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन मोसले ने किया। ठीक है, मोसले इसका नाम, इनका नाम अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरल धारा किसे कहा जाता है। एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम सरल धारा डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, सेल बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा, ये सब विद्युत धारा के दोस्तों हमें स्रोत बताना है। तो स्रोत क्या क्या है? सेल हो गया दोस्तों और जनित्र, ठीक है, जनरेटर। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है एमीटर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है एमीटर कहलाता है। अब वोल्ट मीटर किसे कहते हैं ये बताना है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या है ये बताना है। किसी निश्चित चालक के लिए चालक के सिरों का विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात स्थिर होता है। इस अनुपात को V अपान I चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। दोस्तों ये देखिए फार्मूला होता है आपका R बराबर V अपान I। तो दोस्तों इस फार्मूला का अगर ध्यान ना रहा तो आपने ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, V बराबर आपका I इंटू R। ठीक है, तो दोस्तों ये से R बराबर आता है आपका V अपान I। ठीक है, तो आपके दिमाग में जो फीड रहता है दोस्तों V बराबर IR क्योंकि आसान लगता है और R बराबर V अपान I थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, अब बात आती है फ्यूज किसे कहते हैं। हाँ एक और दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, इसको भी ध्यान में रखना है ओम। ठीक है, ओम का साइन कुछ आपने ऐसे बनाया होगा, ठीक है, चाहे जैसे लिख दीजिएगा ओम ज्यादा बेटर है। तो फ्यूज किसे कहते हैं दोस्तों? आपके घर में फ्यूज होगा। उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे से तार को हम फ्यूज कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा ना घर में निकालते होंगे फ्यूज में एक छोटा पतला सा तार लगा देते हैं कि कभी भी कुछ भी हो तो सबसे पहले आपका फ्यूज जाए तो जिससे आपका उपकरण सेफ रहे। अब दोस्तों बात होती है कि चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कारण बताइए। देखिए चुंबक में सदैव उत्तर व दक्षिण ध्रुव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ और साउथ पोल NS, ठीक है ना NS। उसके बाद देखिए चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव होना संभव नहीं है। किसी चुंबक में दो उत्तरी व दो दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते। फिर दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि विद्युत चुंबक के दो उपयोग बताना, मतलब उपयोग। तो विद्युत चुंबक के उपयोग दोस्तों क्या है? टेलीग्राफ एवं टेलीफोन यंत्रों में उपयोग होता है दोस्तों। विद्युत मोटर जिसका उपयोग पंखा एवं कपड़ा धोने की मशीन में होता है। विद्युत घंटी या लाउड स्पीकर में दोस्तों। कारखानों में भारी स्टील के टुकड़ों को इधर से उधर लाने और ले जाने में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। तो दोस्तों विजातीय विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा सजातीय समान प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है? एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अभी आपने देखा था। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आप आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा का दोस्तों मात्रक बताना है। तो आवेश के प्रवाह को दर को, ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। कारण समझाना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़ों से रगड़ते हैं, ठीक है, क्यों? देखिए प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से कंघे में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है? फलालेन से रगड़ी हुई एवोनाइट की दोनों छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, क्यों दोस्तों? देखिए फलालेन से रगड़ी हुई एवोनाइट की दोनों छड़े पर एक ही प्रकार का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतः दोनों छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुओं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, क्या है दोस्तों, क्या मैटर है इसका देखते हैं।
जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दो नो ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इसके दो प्रकार होते हैं, पहला तो दिष्ट धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। अब दोस्तों बात होगी कि दंड चुंबक का आकार कैसा होता है, तो दंड चुंबक का आकार आयताकार होता है। ठीक है दोस्तों, आयताकार। ठीक है, अब दोस्तों चलिए बात होती है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नाल चुंबक का आकार कैसा होता है, तो नाल चुंबक का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार का होता है। विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पियर होती है ये बताना है। तो किसी परिपथ में जब कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तब उस परिपथ में प्रवाह विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर होती है। लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य ये बताना है। तो रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। फिर दोस्तों बात होगी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं। तो दोस्तों यह कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। अब रुधिर प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, देखिए दोस्तों प्लेटलेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आपको डेंगू ऐसी कोई बीमारी होती है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्लेटलेट्स का चेकअप कराते हैं। तो क्या है दोस्तों इसको देखते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का धक्का बनाने में सहायता करती है तथा चोट लगने पर रक्त के बहाव को नियंत्रित भी करती है। रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं, यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर बैंक किसे कहते हैं, देखिए रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों द्वारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस या 40 फारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुद्र बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। अर्थात वह स्थान जहां पर विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रुधिर बैंक। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आपका कि रक्तदाब बीपी किसे कहते हैं। तो दोस्तों बीपी का फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों काफी बच्चों को तो नहीं, घर में माता पिताओं को हो जाता है अधिकतर बीपी की प्रॉब्लम। तो दोस्तों क्या चीज है इसको देखते हैं, हृदय द्वारा रक्त निश्चय लय या चक्र में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शिथिलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का बीपी 200 120 और 80 होता है दोस्तों, और इसे दबांतर मापी द्वारा मापा जाता है। अब रक्त की संरचना दोस्तों बताना, तो रक्त की संरचना दो तत्वों में सम्मिलित होती है, पहला रक्त कणिकाएं, दूसरा है रुधिर प्लाज्मा। रक्त वर्ग की जानकारी करने के दो लाभ दोस्तों बताने, तो रुधिर वर्ग की जानकारी से अधोलिखित लाभ होते हैं। पहला दोस्तों क्या है, मरीज को यदि गलत वर्ग का रुधिर दे दिया जाए तो उसके रक्त में अभिलेषण क्रिया होने से मृत्यु हो जाएगी। दूसरा दोस्तों चिकित्सा कानून के मुकदमे में न्यायालयों को बहुत सहायता मिलती है, इसकी सहायता से पैतृक झगड़े आसानी से निपटाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या हमारा उसको देखते हैं, रुधिर शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। समस्त कशेरुक प्राणियों के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को तरह तरह के पदार्थ गुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों से उत्पन्न रस या हार्मोन भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है तथा शारीरिक नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है। तो मनुष्य के रक्त को जमने में 4 से 8 मिनट का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, कभी आपको चोट लग जाए तो आप तुरंत मत डरिएगा, यार 1 मिनट से खून बह रहा है, तो आप समय आप देख लीजिए, 4 से 8 मिनट का समय लग सकता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन तक होता है। रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रक्त वर्ग की पहचान दोस्तों सर्वप्रथम कार्ल लैंड स्टीनर 1868 1943 ने की थी। तो दोस्तों इनका ये है जन्म, इनका जन्म 1868 और 1943 तक इन्होंने जीवन चला। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं, नाम बताइए दोस्तों। तो रक्त की कमी या रक्त में असमानता होने पर कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, पॉलीसाइथनिया आदि। इसी प्रकार रुधिर संक्रमण होने से कुछ रोग होते हैं, जैसे दोस्तों हेपेटाइटिस बी और एड्स। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है कि तो खतरनाक बीमारी है। उसके बाद दोस्तों लवहीन रक्त अल्पता के परिणाम बताना है। महिलाओं में रोग के परिणाम स्वरूप बार बार गर्भपात एवं बिना अधिक अंतर कई बच्चे पैदा होना महिलाओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। खून की कमी वाले बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम सक्रिय
होते हैं। यदि खून की कमी दोस्तों का रूप गंभीर हो तो चेहरे पर एवं पाँव पर सूजन आ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, थैलेसीमिया रोग का क्या लक्षण है ये बताना। चेहरा पीला और निस्तेज, सांस फूलना, पेट फूला फूला, भूख न लगना, खाने के प्रति अरुचि और खा लेने में उल्टियां हो जाना। ठीक है, निरंतर ज्वर बना रहना या शरीर का ताप कम होना, हृदय की गति अधिक, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देना, सिर की हड्डियों मोटी, भौहों के बीच में नाक का भाग चिपका होना, ये रोग के प्रमुख लक्षण है। तो दोस्तों हमने कुछ ज्यादा लक्षण पढ़ लिए थैलेसीमिया रोग के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कोई ऐसा रोग ना हो, क्योंकि इतने ज्यादा रोग है दोस्तों कि मतलब इतने ज्यादा लक्षण तो एक तो बहुत ज्यादा ही हो गए दोस्तों हमें लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा। थैलेसीमिया रोग के परिणाम बताइए दोस्तों, अगर ये रोग हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा। इस रोग के लक्षण जितनी कम उम्र में उपस्थित होते हैं, रोग की घातकता भी उतनी ही अधिक परिलक्षित होती है। ऐसे बालक जीवित नहीं रह पाते। खून की कमी और लाल रक्त कणिकाओं के विनाश के कारण बालक का विकास रुक जाता है, अस्थियां भंगुर हो जाती है। ये सभी स्थितियां रोगी को कम उम्र व अकाल मौत के मुंह में धकेल देती है। थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त बीमारी की मृत्यु प्राय 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक हो जाती है। तो दोस्तों सच में ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मतलब इतनी कम उम्र में बच्चों की जान जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कड़ी श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण हमें बताना है। तो दोस्तों अस्थि मज्जा का किसी कारणवश गर्त होना ही इसका मुख्य कारण है। एड्स रोग क्या है? ठीक है दोस्तों, तो आपने वीडियो पक्का स्लो कर दी होगी। तो दोस्तों चलिए समझते हैं, यह रोग एचआईवी, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, तो दोस्तों एचआईवी का फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है, द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती है, रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। एड्स के लक्षण बताना है। तो दोस्तों एड्स के रोगी के निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा पहला भूख ना लगना, दूसरा है दोस्तों आपका शरीर के वजन में कमी, ठीक है, फिर दोस्तों ज्वर, त्वचा पर दहोरिया, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ है तो आपको परेशान फिलहाल नहीं होना है कि भूख ना लगना एड्स का दोस्तों प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि उस पर कुछ कारण हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग परेशान होंगे। एड्स का पता कैसे लगाया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, एलिशा, ठीक है, एलिशा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जा सकता है। एड्स का क्या तात्पर्य है ये बता रहे हैं दोस्तों, यह एक्वायर्ड एमिनो डेफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्तीकरण है। तो दोस्तों ये एड्स का फुल फॉर्म भी है, AIDS। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एचआईवी की रोगन जनकता पर टिप्पणी हमें दोस्तों करना है। एचआईवी दोस्तों बताना है, ठीक है, एचआईवी के लक्ष्य कोशिकाएं, टारगेट सेल्स मुख्यतः T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, अर्थात एचआईवी मुख्य रूप से T4 लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करता है। इन T4 लिम्फोसाइट्स में पहुंचने के बाद वायरस के आवरण तथा प्रोटीन खोल का अपघटन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वायरस का प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके आरएनए सूत्र का डीएनए के एक सूत्र में परिवर्तन उत्प्रेरित करता है। यह अब यही एंजाइम डीएनए के सूत्र का द्वितीयक सूत्र डीएनए अणु में परिवर्तन का उत्प्रेक्षण करता है। यह द्विसूत्री डीएनए अणु पूर्व वायरस के रूप में पोषक कोशिका T4 लिम्फोसाइट्स के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है। अंततः संक्रमित T4 लिम्फोसाइट अपघटित हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, जो बच्चे बायो लिए होंगे तो उनको कैसे कैसे चीजें याद करनी पड़ती है, डीएनए, आरएनए और T4। तो दोस्तों देखिए, मैथ से काफी ज्यादा कठिन हो जाता है बायो का सब्जेक्ट। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, एड्स का विषाणु क्या है दोस्तों। तो एड्स का विषाणु क्या है? ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको एक और बात बता दें कि एचआईवी के कारण ही दोस्तों आपका एड्स होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, एचआईवी के कारण आपका एड्स होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, इसको देखते हैं दोस्तों। एचआईवी, ठीक है, पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाना, इसके लिए सामान्यतः दो जांच, एलिशा एवं वेटन ब्लॉट, ठीक है, ब्लॉट कराया जाता है दोस्तों, परीक्षण किए जाते हैं। वायरस को अलग कर पता लगाना, वायरस आइसोलेशन कहलाता है। म्यूरेक्स एड्स HIV-1 परीक्षण, ये होता है दोस्तों संपूर्ण कोशिका T4 कोशिका T8 कोशिका की गणना करना। तो
तो दोस्तों टी लिम्फोसाइट्स की उपस्थिति का पता लगाने हेतु। फिर दोस्तों बात होती है हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना होता है, तो दोस्तों इसका उद्भवन काल कितना है, 2 से 5 माह का है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों इस रोग से मनुष्य का यकृत खराब हो जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस से। फिटकरी का क्या उपयोग है दोस्तों ये बताना है, फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी गए होंगे तो बाल बाल कटाने जाते होंगे, तो दोस्तों फिटकरी का यूज पहले होता था, अब तो नहीं होता है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, आपातकालीन स्थिति में जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली 4 सामग्रियों के दोस्तों नाम बताइए। सबसे पहले दोस्तों उसमें रुई होना चाहिए, पट्टियां होनी चाहिए, कैची होना चाहिए और डिटॉल एवं लोशन आदि। सुरक्षा से आपका क्या अर्थ होता है बताना है, सुरक्षा का सीधा अर्थ बचाव से होता है। जब व्यक्ति को किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी अन्य चीज से डर, खतरा या असावधानी महसूस होता है, ठीक है, असावधानी, तो वह उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। यही प्रयत्न सुरक्षा को परिभाषित करते हैं या उसके अर्थ को समझाते हैं। अब दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स किसे कहते हैं, आपातकाल की स्थिति में उपचार करने के लिए जिस डिब्बे में आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। तो दोस्तों कभी आप बस में ट्रेवलिंग करते हो तो दोस्तों वहां पर देखेंगे ड्राइवर के पीछे एक फर्स्ट एड बॉक्स का लिखा होता है ना, तो हर जगह दोस्तों रहता है, फोर व्हीलर में भी सब लोग लेकर चलते हैं आजकल। प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताना है। सबसे पहले पीड़ित की स्वास्थ्य वापस लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए यदि अवरोध हो तो, ठीक है, प्राथमिक उपचार कि भाई साथ से आ जानी चाहिए। इसके बाद जहां जहां रक्त स्राव हो रहा है उसे रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप साथ पर ध्यान देंगे उसकी कि साथ चल रही है या नहीं। कुछ घरेलू औषधियों के दोस्तों में नाम बताना है, पहला आपका फिटकरी, दूसरा आयोडेक्स, तीसरा है बोरिक पाउडर, चौथा है ग्लूकोज और पांचवा है नौसादर आदि। किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व होता है, दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए, जी हाँ दोस्तों ये तो आपने बहुत देखा होगा। देखिए कुत्ते के काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ दें, घाव को साबुन और पानी से कई बार अच्छी तरह से धोएं, फिर घाव को एक सूखी निर्जमित ड्रेसिंग से भली भांति पोंछ कर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट दें, ठीक है। काटने के 20 मिनट के बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह न लगाएं, मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाएं, ठीक है दोस्तों ध्यान में रखना है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर व्यक्ति का प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए ये बताना है। कभी भी दोस्तों मिर्गी का दौरा दौरा किसी को पड़ जाए तो आपको क्या करना है, अगर आप वहां पर हों, मुंह से निकलने वाला झाग पोंछ दे, हाथ पैर झटकने की दिशा दशा ध्यान रखें, किसी चीज से उसका कोई अंग जख्मी ना हो जाए, ठीक है। अगर उसके मुंह से निकली नकली दांत हो और निकालना संभव हो तो दोस्तों तुरंत निकाल देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों कभी कभी कुछ लोग नकली दांत लगवाते हैं, ठीक है, हालांकि यह असंभव भी हो सकता है क्योंकि वह अपने जबड़े कसे रखता है और बलपूर्वक निकालना उचित नहीं है। पास की खतरनाक वस्तु जैसे आग, पानी तथा चलती मशीन से बचाव करना चाहिए। दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति को करवट से लिटाएं, ठीक है, करवट लेकर उसको लिटा देना चाहिए। अब दोस्तों बात होती है कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं, आप देखिए ये सब क्वेश्चन आपके 2016 में पूछे जा चुके हैं, अब आपके पेपर के प्रश्न हम लेंगे। जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। सर्वाहारी जंतु दोस्तों किसे कहा जाता है, जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस अशुद्धियों को हम दूर करते हैं, दोस्तों इसका आंतरिक को जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है, ठीक है। अब एड्स का दोस्तों पूरा नाम लिखिए, तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये सब बढ़िया आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से याद कर लेंगे या तो वीडियो को रोककर इसका नाम लिखकर याद करें, ठीक है। फिर दोस्तों बात होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है। देखिए पहली विशेषता ये समांतर बल रेखाएं होती है, दूसरा ये हमेशा एन टू एस, मतलब दोस्तों एन का मतलब है उत्तर, एस का मतलब है साउथ, मतलब दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य होता है लिखना है, 1 सेकंड में प्रभावित, ठीक है, 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। अब खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं ये बताना है। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है तो एक खाद्य जाल बन जाता है, जिसे हम दोस्तों खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों का नाम बताना है। तो विद्युत के देखिए हमेशा क्वेश्चन में आ चुका 2 बार, तो ध्यान रखना है विद्युत के 2 सुचालक, पहला सोना हो गया,
चांदी हो गया, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सुचालक है। कुचालक में दोस्तों रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है, सूखी लकड़ी है दोस्तों। सूखी लकड़ी में आप करंट प्रवाह नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी बारिश होता है तो देखते होंगे पेड़ में करंट आ जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा गया सूखी, नहीं तो दोस्तों आप लोग गीली लकड़ी में ट्राई मार लें, ठीक है। धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, ये बताना है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले, ठीक है, पिछले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण दोस्तों लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे हम गैल्वनीकरण कहते हैं। घरों में छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए दोस्तों गैल्वनीकरण किया जाता है। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित अब हमें करना है। अगला क्वेश्चन में 2017 में यह बात चुका है क्वेश्चन। तो किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे दोस्तों हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये बताना है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामण रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय दोस्तों, अब खनिज को पहले हम डिफाइन करते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि। अयस्क दोस्तों क्या होता है, उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। अब दोस्तों बात होगी कि यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषित स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो दोस्तों पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव रुक जाता है। अब दोस्तों बात होगी यार विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को हम इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है हमारा एम्पियर। तो अगर आप लोग कभी आजकल चार्जर लेते हो फोन में तो बोलते होंगे ना कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम आपको लिखना है। तो दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे, अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, ठीक है, कान की मांसपेशियां, नरों में निपल्स, ठीक है। तो दोस्तों ये सब है 4 अवशेषी अंग। तो दोस्तों चलिए आज हमने देखे काफी क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित। तो अगर आपको पार्ट वन अभी तक दोस्तों आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप लोग पार्ट वन देखिए, उसमें आपके सारे बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। दोस्तों पार्ट वन देखने के बाद आपको पार्ट थ्री देखना है, जहां पर आपको दोस्तों सभी प्रकार के लघु उत्तरी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग 25 में 25 नंबर लाने के हकदार हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। और दोस्तों आपके लिए हमने एक एंड्रॉइड ऐप बनाया है, तो आपने उसको दोस्तों देख ही लिया होगा। तो उस ऐप को दोस्तों तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के माध्यम से दोस्तों जितनी भी अपडेट्स होंगी आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित, जी हाँ दोस्तों आगे चलकर आप लोग को शिक्षक बनना है ना, बीटीसी करके तो बैठना नहीं है, सारी अपडेट दोस्तों वहां पर आपको मिलेगी। सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के सारी नोट सबसे पहले उस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा समय दीजिएगा ऐप को डाउनलोड करके, कुछ दिन में दोस्तों सारी चीजें अपडेट होंगी और आप लोग एक एक करके उसको फ्री में डाउनलोड करके उसका मजा ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।